दोस्तों आज संडे वक्त होता है #askaradha का, तो जो भी सवाल करते हैं वन वीक में उसका देता हूं जवाब। पहले सवाल की तरफ बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो पीके टास्कनी का सवाल है, Realme 12 Pro Plus का कैमरा क्वालिटी खराब हो गया है, क्या करें? कुछ नहीं करना आपको, कैमरा ऐप को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ऐप इन्फो में जाकर अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए या क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, DMJ का सवाल है, Redmi Note 13 5G ये जो फ़ोन है 17,000 में मैंने लिया, हीटिंग इशू हो रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, मैनेज ऐप में जाइए, बैटरी सर्च करिए, बैटरी जब आएगा तो अनइंस्टॉल अपडेट नीचे होगा, उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर फोन को रिस्टार्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूरज जी का सवाल है, भाई बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट में फ़ोन लेना चाहिए या एंड में? मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि जब फ़ोन आपको लेना है तो स्टार्टिंग में ले लीजिए, क्योंकि एंड में ले तो लेंगे आप, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या करता है कि लास्ट एंड मौके पे आपका जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर देता है। तो अगर आपको फ़ोन चाहिए तो स्टार्टिंग में कर लीजिए, वैसे भी जो भी ऑफर आपको मिलेगा स्टार्टिंग में मिलेगा, एंड में अगर लेंगे तो हो सकता है प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन जी का, इनका सवाल है, भाई हम सब ऐप में सिलेक्ट कर दिए हैं 120Hz रिफ्रेश रेट, फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, अगर ऐसा कभी भी होता है तो सिस्टम प्लगइन को अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, मैनेज ऐप में जाइए और सिस्टम प्लगइन सर्च करिए, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम। राजेश जी का सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, ओप्पो F23 5G को मिलेगा क्या एंड्रॉयड 15 का अपडेट? तो मुझे 50-50 चांस लगता है, क्योंकि F23 को फोन को लॉन्च हुए हुए काफ़ी नए दिन हो गया है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो मे भी इसको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोबाइल फोन इनका आईडी का नाम है, इनका सवाल है, रजा भाई Realme 12 Pro Plus को रोल बैक पहले वाला वर्जन में कैसे करें? देखिए आपको रोम डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको अबाउट फोन में जाइए, अबाउट फोन में जाने के बाद ऊपर 3 डॉट में जाइए, वहां पर क्या होगा, चूज अपडेट पैकेज होगा, उसको सिलेक्ट करिए, आपका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, तो जहाँ पर आपने रोम डाउनलोड करके रखा है उसमें जाकर बस क्लिक करिए और बैटरी को जो है 50% से ऊपर रखिए, तो आपका जो है इसको होने में लगभग 2-3 घंटा का समय लगेगा, उसके बाद आपका जो है फ़ोन पहले वाला जो भी सॉफ्टवेयर है, जो वर्जन आप डाउनलोड किए हैं उसमें रोल बैक हो जाए। सुनील जी का सवाल है, प्लीज़ करेक्ट ए पोल, हु इज मोर ब्यूटीफुल, आईफोन और माधुरी दीक्षित? बात तो सही है, माधुरी दीक्षित जो है अभी आईफोन की ब्रांड एम्बेसडर इंडिया की, तो दोनों का कंपेयर करना ब्यूटीफुल के मामले में वो पॉसिबल नहीं है, दोनों ही अपने हिसाब से बेस्ट लगता है, लेकिन आपके हिसाब से ज़्यादा बेस्ट कौन रहेगा हम आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश सिंह का है, इनका सवाल है, BBT सेल में Realme 12 Pro Plus लेना चाहिए या नहीं? देखिए अगर आपको 25,000 से नीचे ये फ़ोन मिल रहा है तो ले सकते हैं, अगर ऊपर मिल रहा है तो 13 Pro Plus ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि न्यू वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर जोशी का है, इनका सवाल है, आप अच्छा वीडियो बनाते हो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सर मत कहिए, सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। इन भट्टाचार्य का सवाल है, Realme 12 Pro Plus BBT ऑर्डर करूंगा फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, तो क्या सॉफ्टवेयर अपडेट जो है अगर मैं करता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो पहले जैसा रहेगा या फिर न्यू वर्जन में मिलेगा? देखिए फोन जब भी मैन्युफैक्चर हुआ है आपको जब भी मिलेगा पहले वाला सॉफ्टवेयर में रहेगा, जब आप फ़ोन को जैसे ही ऑन करेंगे और नेट कनेक्ट करेंगे तो वो पहला सॉफ्टवेयर अपडेट लेगा और जो लेटेस्ट रहेगा वही उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर जी का, इनका सवाल है, ब्रो अगर हम 120Hz पर कर दे तो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, क्योंकि 120Hz इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है और कंपनी कोई भी फीचर्स को देता है तो उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, अगर वो चीज़ से प्रॉब्लम होगा फ़ोन को तो वो चीज़ को पहले ही रिमूव कर देगा, और दिया है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा बैटरी ड्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वायरल वीडियो का सवाल है, भाई मेरा Realme 13 Pro Plus बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, बैटरी को अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, मैनेज ऐप में जाइए, बैटरी सर्च करिए, उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, आपका फिक्स हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ का सवाल है, भाई Realme 12 Pro Plus में AI फीचर्स आने की संभावना कितनी है? 100% ये आएगा जब Realme UI 6.0 का अपडेट आएगा तो आपको AI फीचर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का है, इनका सवाल है, भाई ये पोर्ट्रेट वीडियो Realme 12 Pro Plus से शूट किए हैं, पहले से क्वालिटी अच्छा है? देखिए होता क्या है कि पहले हम जहाँ पर थे वहाँ लाइट का प्रॉब्लम था, अभी जहाँ पर है यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर तो और भी नहीं है, तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर।
कॉमेडी 420 का सवाल है। हाँ, आप किस डिवाइस से वीडियो शूट करते हैं और मॉडल नंबर क्या है? रियलमी 12 प्रो प्लस से वीडियो शूट करते हैं और मॉडल नंबर रियलमी 12 प्रो प्लस ही है। वायरल वीडियो का सवाल है, ब्रो बैटरी अनइंस्टॉल शो नहीं कर रहा है तो क्या करें? तो उसका स्टोरेज में जाकर उसका क्लियर जो डेटा है उसको क्लियर कर दीजिए, फोन को रिस्टार्ट करिए, आपका फिक्स हो जाए। अजर ब्लॉक का सवाल है, रियलमी 12 प्रो प्लस में कैमरा लैग फिक्स नहीं हो रहा है, क्या करें? अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, कैमरा ऐप को दापिए, ऐप इन्फो में जाकर अनइंस्टॉल अपडेट करिए, फोन को एक बार रिस्टार्ट करिए, आपका फिक्स। प्रो डब्ल्यू बी का सवाल है, भाई एक दूसरा यूट्यूबर बोल रहा था 402 अपडेट के बाद कैमरा और बैटरी बहुत डाउनग्रेड हो गया है, बात उनकी एकदम सही है कि ये जब अपडेट आया था तो इसमें कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से कैमरा और जो इसका बैटरी है बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन हो चुका था, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिला था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है 14.0.2 ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको आप इंस्टॉल करिए, आपके लिए बेस्ट है। रोहित कुमार जी का सवाल है, बैटरी इशू हो रहा है कि नहीं अपडेट के बाद? बैटरी इशू नहीं हो रहा भाई, अपडेट के बाद बैटरी मस्त चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरी जी का, इनका सवाल है, बिग बिलियन डे सेल में वेल्डिंग मशीन भी खरीद सकते हैं क्या? 100% खरीद सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कहीं से भी खरीदें तो कोशिश करें कि अमेजोन से खरीदें, क्योंकि ये सब चीज़ जो है अमेजोन में काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। फ्लिपकार्ट में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, लेकिन इस तरह का टूल्स वगैरह अगर आपको लेना है तो इसके लिए अमेजोन ज़्यादा बेस्ट है। अजय राजपूत जी का सवाल है, भाई मुझे बीबीडी सेल में पावर बैंक 2000 mAh का लेना है, 4i या 3i? देखिए 4i या 3i वो मैटर नहीं करता, लेकिन रेडमी का लीजिए, क्योंकि रेडमी का पावर बैंक अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त बैटरी बैकअप है और ड्यूरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पोनो मोरिया का सवाल है, 67 वाट चार्जिंग सपोर्ट करेगा रेडमी नोट 10 प्रो में? सपोर्ट करेगा, लेकिन 67 वाट से चार्ज नहीं होगा, 33 वाट ही वो आउटपुट लेगा। अहमद जी का सवाल है, रियलमी 12 प्लस में नया अपडेट आया है 512 वाला, करेंगे? 100% कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि नया पैच सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी का है, सर फ्लिपकार्ट में बाय 4 300 एंड सेव 100,000 रुपीज़ डिस्काउंट कैसे ले? देखिए ये जो डिस्काउंट वाला चीज़ है ना, ये होता क्या है कि ये आपको कैशबैक के थ्रू मिलता है, अगर आपको कैशबैक मिलेगा तो मिलेगा, वरना आपका HDFC या फिर ICICI बैंक का रहेगा क्रेडिट कार्ड तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, लेकिन ये 15-20 दिन के बाद अकाउंट में आता है। इंस्टेंट आप बोलेंगे तो इंस्टेंट डिस्काउंट सिर्फ 1000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन अनूप जी का, इनका सवाल है, अनइंस्टॉल अपडेट पॉसिबल? 100% है, उसको कर सकते हैं, ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर नहीं मिलेगा तो क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, फिक्स है। 12.01 का अपडेट किया हूँ, जब से किया हूँ फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये अपडेट जो है टेम्प्रोरी आया था, इसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और अभी जो नया अपडेट आया है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो क्वेश्चन जो है दिलशान भाई का, इनका सवाल है, भाई लिंक इंस्टॉल नहीं हो रहा है, देयर वाज ए प्रॉब्लम, परचेजिंग पैकेज लिख रहा है। अगर ऐसा लिख रहा है तो आप देखिए एंड्रॉयड 13 है या एंड्रॉयड 14 है, 13 में ये चीज़ नहीं होगा, 14 में ये चीज़ होगा, तो इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश जी का, इनका सवाल है, नाइट कैमरा रियलमी 12 प्रो प्लस? रियलमी 12 प्रो प्लस में नाइट विजन जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, इस पर हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आप देख सकते हैं, क्वालिटी एक नंबर आता है इसमें। शोभी कुमार का सवाल है, YouTube में HDR है? देखिए ये जो HDR वाला है ये आएगा Realme का Realme OS 6.0, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया है ये तो मुझे भी नहीं पता, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सर छत्तीस का सवाल है, वो 2 दिन वाला Jio का फ्री रिचार्ज मिलेगा कि नहीं? वो 2 दिन का फ्री रिचार्ज आपको 100% मिलेगा, लेकिन रिचार्ज अगर कंटिन्यू आपका होगा तो भी, अगर आप नहीं किए करे होंगे रिचार्ज तो वो 2 दिन वाला आपको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीके डास फनी का है, रियलमी 12 प्रो प्लस का कैमरा क्वालिटी खराब हो गया है, क्या करें? वही करना भाई, अनइंस्टॉल अपडेट करिए, आपका ये फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। संडे Q&A में ज़्यादा क्वेश्चन आपने पूछा नहीं, 30 क्वेश्चन हमने उठाया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कुछ और है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।